हीरो पैशन प्रो में अभी एक नया अपडेट आया है। अपडेट होने के बाद ये बाइक बिल्कुल चेंज हो गई है, एकदम नया डिजाइन आपको देखने के लिए मिलेगा, नए फीचर आपको मिलने वाले हैं, मॉडर्न फीचर हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ हीरो पैशन एक्सटेक के बारे में। अभी इसका नाम जो है वो पैशन एक्सटेक हो गया है। इसमें क्या कुछ चेंजेज हैं वो सब बताने वाला हूँ, और चेंज होने के बाद इसका अभी प्राइस क्या है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रंट से। इसका जो फ्रंट से लुक है कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। पहले इसका रेगुलर पैटर्न पर अपर काउल आता था, अभी आपको यहाँ पर काफ़ी स्टाइलिश और स्पोर्टी डिजाइन देखने के लिए मिलने वाला है इसके अपर काउल का। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट में विंड वाइजर मिल जा रहा है, और यहाँ पर दिया गया है हीरो का लोगो कुछ इस तरह से विजिबल होने वाला है। ऑन करके अभी मैं आपको दिखाऊँ तो ये इसका डीआरएल लाइट का पैटर्न कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है, और हेडलैम्प कुछ ऐसे दिखेगा। प्रोजेक्टर एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया है, और यदि पासिंग लाइट का यूज़ करते हैं तो कुछ ये इसकी विजिबिलिटी हो जाएगी। और इसका जो कॉर्नरिंग है ऐसे आपको ब्लैक कलर से मिल जाने वाला था, काफ़ी स्टाइलिश लुक हो जा रहा है। और इसी के साथ साथ साइड इंडिकेटर का पैटर्न देख लीजिए। आउटर कवरिंग जो है वो आपको ट्रांसपेरेंट में मिल रही है, और बल्ब का इस्तेमाल किया गया तो कुछ ये लुक इसका हो जाने वाला है। यहाँ पर आ जाएगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। और बात करें इसके मडगार्ड का तो ये आपको डुअल टोन कलर में मिल रहा है। रेसिंग रेड के साथ ये मैट ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और फ्रंट में मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और यहाँ पर सस्पेंशन पर दे दिया गया है कॉर्नरिंग रिफ्लेक्टर, जबकि रियर में दिया गया है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर जिसका स्प्रिंग आपको रेड कलर से मिलने वाला है। कुछ इस तरह से इसकी विजिबिलिटी हो जाती है। और इसके सस्पेंशन के बाद हम बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम का। तो इसमें आपको मिल जाता है डिस्क और ड्रम दो वेरियंट। फिलहाल आपके सामने जो है ये आपको ड्रम वेरियंट में मिल रही है, और ड्रम ब्रेक मिलता है, लेकिन इसमें आपको मिल जाता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेकिंग पैटर्न है, जो आपका ब्रेक है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करने वाला है। तो इसके ब्रेक के बाद हम बात कर लेते हैं इसके व्हील का। तो इसमें आपको 5 स्पोक्स के साथ में अलॉय व्हील मिल जा रहा है। ग्रेइश इसका लुक रखा गया है। टायर का रेडियस रखा गया है 18 इंच का, ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया है, और साइज आपको मिल रहा है 80x100 का। तो ओवरऑल ये कुछ लुक हो जाता है इसके व्हील सस्पेंशन और ब्रेक का। जबकि रियर टायर का साइज भी आप देखेंगे तो आपको सेम ही मिल जाने वाला है, व्हील कुछ इस तरह से विजिबल होने वाला है। तो व्हील सस्पेंशन ब्रेक के बाद आ जाते हैं हम इसके दूसरे यूटिलिटीज पर। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके फ्यूल टैंक से। तो फ्यूल टैंक में कुछ इसे आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन मिलने वाला है। फ्रंट से मैट ब्लैक कलर दिया गया है, और साइड दे दिया गया है कम्प्लीटली रेड कलर का। तो कुछ ये इसका लुक बन जाता है। 3D में स्टील फिनिश के साथ आ जाता है पैशन का बैजिंग, और यहाँ पर जो एक्सटेक का ब्रांडिंग है कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है। ग्राफिक वर्क में कार्बन फाइबर फिनिश का यहाँ पर टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा, और एक्सटेक वाइट एंड रेड कलर से इसका लेटरिंग कर दी गई है। तो काफ़ी खूबसूरत लुक यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और टॉप इसका जो है फ्यूल टैंक का कुछ ऐसे विजिबल होने वाला है। फ्यूल लीड आपको मिल जाता है सिल्वर कलर से रेगुलर पैटर्न पर, और यहाँ पर कंपनी फिटेड मिल जाता है लेग गार्ड। आपके लेग और इंजन के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इंजन का कलर आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ ऐसे ही इसका पेंट है कि लॉन्ग रन में भी ये ख़राब नहीं होने वाला है। इसका जो शाइनिंग है, इसका जो लुक है, ये ऐसे ही बरकरार रहने वाला है। इसमें आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ किक स्टार्ट सिस्टम, ये रेगुलर पैटर्न पर यहाँ पर मिल रहा है। और इसी के साथ साथ इसका फुट रेस्ट देख लेते हैं। ये कम्प्लीटली आपको कन्वेंशनल डिजाइन में मिल रहा है, जैसे कि पहले के समय में हुआ करता था, वही यहाँ पर आपको सेम टू सेम डिजाइन देखने के लिए मिल रहा है। और ये रहा ब्रेक पैड, और इसका जो साइलेंसर है काफ़ी लंबा रखा गया है, जैसे पहले में हुआ करता था वैसे ही अभी भी है। इसमें कोई चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन मैट ब्लैक एंड यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक कलर का एक कॉम्बिनेशन देखने के लिए ज़रूर मिल जाने वाला है। तो ये आप देख लीजिए, इसका साइलेंसर कुछ इस तरह से विजिबल होने वाला है। सेंट्रल बॉडी के लुक की बात करें तो ये पहले के जैसे ही रखा गया है, यहाँ पर मैट और टॉप पर आ जाता है रेड। पहले जो ग्राफिक्स था फुल इस तरह से आता था, अब यहाँ पर इसमें चेंज कर दिया गया है। अब कुछ इस तरह से आपको स्पोर्टी स्टाइलिश डिजाइन में देखने के लिए मिलने वाला है। i3S का यहाँ पर ब्रांडिंग कर दिया गया है। इसका जो टेल अपीयरेंस है कुछ इस तरह से सिल्वर स्टिकर के साथ में दे दिया गया है। बात करें हम इसके सीटिंग अरेंजमेंट का, तो सीट जो है काफ़ी लंबी रखी गई है, सिंगल 2 लेवल सीट है। और इसका जो कवरिंग है कुछ इस तरह से है कि लॉन्ग ट्रेवलिंग में भी आपका जो हीट सर्कुलेशन है वो होता रहेगा, तो आपका जो कम्फर्ट है सीट पर बैठने का वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ साथ इसका ग्रैब रेल भी देख लीजिए, तो ये ब्लैक कलर में आने वाला है। क्लोज रखा गया है, और थोड़ा सा इसका एलिवेशन हो जाता है इस सीट से, तो जो पिलियन राइडर है वो इसका बैक रेस्ट के जैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, थोड़ा सा उसको कम्फर्ट मिल जाएगा। इसी के साथ आ जाते हैं हम इसके टेल लाइट पर। तो टेल लाइट में मिल रहा है आपको कुछ ए पैटर्न, अभी मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ए शार्पनेस देखने के लिए मिलने वाली है। ये काफ़ी खूबसूरत हो गया है इसका टेल लाइट। यहाँ पर आ जाएगा रियर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, और ओवरऑल ये लुक है पीछे से। और आ जाते हैं हम अभी लेफ्ट प्रोफाइल पर, तो यहाँ पर लेडीज़ फुट रेस्ट के साथ साथ मिल जाता है सारी गार्ड, जो कि फुल प्रोटेक्शन मिल रहा है साड़ी और दुपट्टा से, और इसके साथ साथ लेडीज़ को कंफर्ट भी यहाँ पर मिलने वाला है। और इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दे दिया गया है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर। आपने सिंगल स्टैंड पर खड़ा किया है और जल्दबाजी में भी आप लेकर निकलते हैं
तो आपका जो गियर में डालते ही आपकी बाइक जो है वो बंद हो जाएगी। तो आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा ये फीचर इसमें मिल जा रहा है। और इसके बाद हम बात करें इसके इंजन के बारे में, इसमें आपको इंजन मिल जाता है 113 सीसी का 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन, जो मैक्सिमम पावर देता है 9.1 पीएस का 7500 आरपीएम पर, और पीक टॉर्क इसका आपको मिलता है 9.89 न्यूटन मीटर का 5000 आरपीएम पर। और बात करें हम इसके डायमेंशन का, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये दिया गया 180 एमएम का, और व्हील बेस आपको मिल रहा है 1270 एमएम, और सीट हाइट दी गई है 799 एमएम की, और इसका जो कर्व वेट है ये मिलने वाला है 118 केजी का। तो इसके डायमेंशन के बाद हम बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल का। तो मीटर कंसोल में फुली चेंज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। पहले सेमी एनालॉग आया करता था, अभी यहाँ पर आपको मिल रहा है फुली डिजिटल। कुछ इस तरह से अभी आपको ये विजिबिलिटी दिखने वाली है इसके मीटर कंसोल की। यहाँ पर अभी आप ये रियल टाइम माइलेज देख सकते हैं, ये फैसिलिटी काफ़ी कम बाइक में आपको ये देखने के लिए मिलती है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, और यहाँ पर आप दो ट्रिप का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाने वाला है। और यहाँ पर इंजन चेक लाइट, गियर में या न्यूट्रल, फ्यूल गेज, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसके मीटर कंसोल से मिलता है। और देख लेते हैं इसके कंट्रोल स्विचेस को। तो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है चार कंट्रोल स्विच, पासिंग लाइट, अपर एंड डिपर, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, हॉर्न, और राइट साइड में आपको ये मिल जाते हैं दो स्विच, आइडियल स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच, और इसके साथ साथ यहाँ पर इग्निशन को स्टार्ट करने के लिए सिंगल रेसिंग बार रखा गया है, कुछ इस तरह से विजिबल होने वाला है। सेंट्रल फिनिश मिल जाता है ब्लैक कलर से। इसका जो रियर व्यू मिरर है कुछ ऐसे आपको स्टाइलिश डिजाइन में देखने के लिए मिलेगा, कुछ ऐसा पैटर्न इसका बन जाता है। और इसका जो बार है ये दिया गया है ब्लैक कलर से। तो ये सारा जानकारी था इस बाइक के बारे में। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये 10 लीटर का रखा गया है। माइलेज आपको 60-65 के आसपास का मिलेगा। और इसका ऑन रोड प्राइस इंक्लूडिंग एवरीथिंग ये चेंज होने के बाद 92,000 पड़ रहा है ड्रम वेरिएंट में, और डिस्क में जाते हैं तो 96,000, और पहले इसका जो प्राइस था वो 89,000 कुछ रुपए के आसपास था। तो टोटल आप देखिए तो 3,000 के आसपास का ये डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसमें आपको काफ़ी कुछ फैसिलिटी मिल जा रही है। और इसके साथ साथ अभी मैं एक पॉइंट भूल गया था, यहाँ पर अभी आपको मिल रहा है मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, जिसमें आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। ऑफिस वगैरह से घर से निकल रहे हैं, मोबाइल चार्ज नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, कार्ड का इस्तेमाल करके आप चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन था इस बाइक के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चेंज है वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और आप लोगों को कैसा लगा ये चेंज आप कमेंट करके बताइए, मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों को अच्छा लगा बुरा लगा, तो हम लोग भी उस पर ध्यान देंगे। और हो सकता है हीरो भी उस कमेंट को पढ़े तो आगे वो उसमें माइंड करते हुए उसमें कुछ चेंजेस और लाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।